दिल्ली से 1.5 घंटे की फ्लाइट लेके हमने लैंड किया श्रीनगर में। श्रीनगर एयरपोर्ट से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे आपको बहुत सी टैक्सीज खड़ी हुई नज़र आएंगी। हमने इस बार टैक्सी पहले से ही बुक नहीं की क्योंकि मैंने पहले से मौसम देखा था तो बहुत बारिश दिखा रखी थी। सो वी डिसाइडेड कि जहाँ भी हमें जाना होगा हम ऑन द स्पॉट टैक्सी बुक कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे टैक्सी फाइनली बुक कर ली 5,000 रुपीज़ में, जिन्होंने हमें श्रीनगर एयरपोर्ट से पहलगाम में हीवन होटल तक छोड़ा। वैसे तो श्रीनगर एयरपोर्ट से पहलगाम का रास्ता सिर्फ 2 से 2.5 घंटे का है, बट हमें यहाँ तक पहुँचने में 5 घंटे लग गए बिकॉज ऑफ अमरनाथ यात्रा। फाइनली वी रीच्ड हीवन होटल इन पहलगाम, जो कि बहुत फेमस है अपने सीनिक व्यूज़ एंड ब्यूटी के लिए। आप देख सकते हो साइड में लिदर रिवर बह रही है और इस होटल की लोकेशन अपने आप में बहुत ख़ास है। तो अगर आप पहलगाम आ रहे हैं तो हीवन होटल में स्टे करना तो बनता है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी इन पहलगाम। अब इतनी लंबी जर्नी के बाद होटल पहुंचते ही आप एक्साइटेड होते हो कि आपका रूम कैसा होगा। तो जैसे ही मैं रूम में घुसी आई वॉज सो हैप्पी, क्योंकि रूम बहुत बड़ा है, स्पेशियस है एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द विंडो ऑफ आर रूम। जो लिदर रिवर है वो पूरी दिखाई दे रही है, सामने ग्रीन एरिया है, ज़रूरत की सारी चीज़ें रूम में अवेलेबल हैं। So I am completely satisfied with all the things which I got inside the room. अब थोड़ा रिफ्रेश होके हम लोग आ गए हैं बाहर गार्डन में, यहाँ के सीनिक व्यूज़ को एंजॉय करने, यहाँ की जो रिवर व्यू है उसकी आवाज़ें सुनने और साथ में चाय की चुस्की लेने। वंस अगेन, आज हमारा सेकेंड डे है कश्मीर में। फर्स्ट डे कल था, डे नहीं नाइट थी एक्चुअली। हम लोग लेट पहुंचे थे, बहुत थक गए थे, एज इट इज सो गए। बट आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग होने वाला है। कश्मीर सच में जन्नत है। ये हमारा रूम है, हम अभी उठे हैं और बाहर का व्यू है कुछ इस तरह से। तो अभी फ्रेश व्रेश होके जाएंगे, चाय पियेंगे बाहर, बाहर रिवर बह रही है और वहीं पे नज़ारे देखते हुए चाय पियेंगे, उसके बाद घूमने जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखना गाइस, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर देना। अब बाहर चलते हैं और चाय पीते हैं। We have came outside and this is the morning view. चाय पीने के लिए सही मौसम सही जगह। होटल के नज़ारे इतने सुंदर हैं, सही बताऊं तो कहीं और जाने का दिल ही नहीं चाह रहा। रात को यहाँ बारिश हुई है काफ़ी। कल भी जब हम आए थे तो इन लोगों ने बताया था बारिश हुई थी, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है। कश्मीर का मौसम बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। वैसे तो हम जुलाई के मंथ में आए हैं लेकिन बारिश की वजह से काफ़ी ठंड हो गई है। तो आप जून जुलाई में भी अगर यहाँ आ रहे हैं तो अपने साथ एक मोटी जैकेट ज़रूर ही कैरी करें। सो गाइस, अब हम घूमने जाएंगे। हम लोग पहलगाम में, ये हीवन होटल है जिसमें हमने स्टे किया है और साइड में इसके रिवर बह रही है। स्पेशली ये रीज़न था ये होटल बुक कराने का। रूम्स बहुत अच्छे हैं, साफ़ सुथरा है, मतलब मज़ा ही आ गया। तो आई एम सो एक्साइटेड फॉर द डे। तो अब हम जल्दी से रेडी होके बिना टाइम वेस्ट किए पहलगाम को एक्सप्लोर करने के लिए निकलेंगे।
हमने होटल से ही टैक्सी बुक की है जो कि हमें लेके जाएगी आरू वैली एंड बेताब वैली, एंड उसके लिए इन्होंने प्राइस लिए हैं 1200 रुपीज़। जब आप टैक्सी से आरू वैली जाएंगे तो रास्ते में आपको देखने को मिलेंगे ये बेहद खूबसूरत नज़ारे। जून जुलाई के मौसम में कश्मीर एकदम ग्रीन नज़र आता है, चारों तरफ हरियाली, फूल और बहता हुआ पानी। अब टैक्सी वाले भैया ने हमें इस पॉइंट पे लाके उतार दिया, इससे आगे गाड़ी नहीं जाएगी, आपको खुद पैदल ही चलकर जाना होगा। यहाँ एक छोटी सी मार्केट लगी हुई है जहाँ से आप कश्मीरी शॉल, स्टॉल, स्वेटर या कश्मीरी सूट्स वगैरह की शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ कुछ शॉप्स हैं, इसके अलावा कुछ कैफ़ेज भी हैं। अगर आप आरू वैली में जाके लंबे टाइम तक बैठना चाहते हैं तो अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान या पानी की बोतल ज़रूर साथ में लेके जाएं। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको महसूस होगा कि आप नेचर के कितने करीब जाते जा रहे हैं। वैसे तो गर्मी के मौसम में कश्मीर पूरा ही ग्रीन है, बट यहाँ मौसम की रंगत पल पल बदलती ही रहती है। मौसम का लुत्फ उठाते हुए कश्मीरी बच्चे यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। सुहावनी तेज हवा, हल्की हल्की बारिश और मिट्टी की खुशबू ने आरू वैली में हमारा स्वागत किया। जून जुलाई के मौसम में आपको कश्मीर में हर जगह घोड़े वाले दिखाई देंगे, क्योंकि ये बेस्ट मौसम होता है जहां घोड़े आपको ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि ये पूरी आरू वैली आपको घोड़े पे घुमाएंगे। हमने सोचा कि हम घोड़े पे ना घूमकर खुद ही वहां जाकर कुछ टाइम स्पेंड करें, बैठे व्यूज़ को एंजॉय करें, तो हमने घोड़ा नहीं लिया। अगर आप आरू वैली में ही स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ अल्पाइन होटल एंड रेस्टोरेंट भी है जो कि सामने आप देख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ अपना स्टे कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है जहाँ आपको कुछ स्नैक्स, चाय, कॉफ़ी इजीली मिल जाएगी। पहलगाम काफ़ी फेमस है अपने डिफरेंट लैंडस्केप्स के लिए, माउंटेन व्यूज़ के लिए और ब्यूटिफुल वैलीज़ के लिए, जिसमें से एक है ये आरू वैली जिसका नज़ारा देखते ही बनता है। दिस इज़ द आरू वैली और मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है। यहाँ पे जगह जगह पे घर बने हुए हैं कलरफुल जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में। तो दिस इज़ अ फेमस प्लेस, यहाँ तो अगर आप कश्मीर आओगे आपका आना बनता ही है। बाकी वेदर इज़ मेन, वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। धीरे धीरे जब हम आए थे तो धूप हो रही थी, अब एकदम से बारिश हो रही है। एंड यू कैन सी द क्लाउड्स अराउंड, मुझे लग रहा है बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। अब यहाँ से हम जाएंगे बेताब वैली। अब हम आरू वैली से बेताब वैली के लिए निकल चुके हैं और रास्ते में हमें दिखा ये ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल। 1983 में हिट हुई सनी देओल की बेताब मूवी, उस मूवी के बाद से ही इस जगह का नाम पड़ा बेताब वैली। बेताब वैली का पहले नाम था हगन वैली, लोग इसे नहीं जानते थे, पर जब से बॉलीवुड की ये बेताब मूवी की शूटिंग यहाँ हुई, इस जगह को एक नया नाम दिया गया, एक नई पहचान दी गई और तभी से यहाँ पे टूरिस्ट का आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बेताब वैली की एंट्री टिकट है 100 रुपीज़ और अब यहाँ से नज़ारे शुरू हो जाते हैं। साइड में आपको रिवर बहती हुई नज़र आएगी। इंडिया का मिनी स्विट्ज़रलैंड इस जगह को यूं ही नहीं कहा जाता। इस जगह को वीडियो में दिखा पाना या शब्दों में बयां कर पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, बट मैं कोशिश करूंगी कि आपको यहां का एक से बढ़कर एक नज़ारा दिखाऊं।
अब जैसे ही आगे चलेंगे एक ब्रिज आपको नजर आएगा। आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी के इश्क वाला लव की वीडियो अगर देखी हो तो वो इसी वाले ब्रिज पे शूट की गई थी। बेताब वैली एंड अभी हम व्यू पॉइंट देखने जाएंगे फोर्स पे, वैसे वॉक करके भी देख सकते हो। बेताब वैली काफ़ी बड़ी है, आप चाहे तो खुद पैदल घूमकर भी इसे देख सकते हैं, बट हमारे साथ समर था और यहाँ काफ़ी घोड़े वाले खड़े हुए थे तो हमने सोचा एक एडवेंचरस जर्नी भी हो जाएगी। हमने हायर किया एक घोड़ा, एक घोड़े के हमने 800 रुपये दिए। पहले इसका नाम था हगन वैली। हगन वैली कम आते होंगे ना? हाँ कम आते थे, कहाँ आते थे, लेकिन मूवी के बाद आने लगे। हाँ जब वो मूवी बनी थी ना, पहले इसका का कैसा नाम था हगन वैली, जब वो मूवी बनी थी ना फिर उसके बाद इसका नाम रखा गया था बेताब वैली, फिर उसके बाद आने लगे थे। बेताब वैली में कुछ साल पहले ही एक छोटा सा एम्यूजमेंट पार्क भी बना दिया गया है जिसमें काफ़ी स्विंग्स हैं तो बच्चे इस जगह पर आके काफ़ी खुश होते हैं। लगा हुआ है ना सर, इसको बोलते हैं नाग वैली। हाँ इधर पानी है ना, वो 6 महीने गर्म रहता है, 6 महीने ठंडा रहता है नाग वैली में। हाँ तो अभी क्या ठंडा है पानी या गर्म? अभी ठंडा है, जब बर्फ पड़ेगी ना वो बिल्कुल गर्म पानी हो जाएगा। बर्फ पड़ती है तो क्या गर्म? वो होता है वो जमीन के नीचे से आता है, वो चलता रहता है। घोड़ा हायर करने का एक फ़ायदा तो ये हुआ कि काफ़ी एडवेंचर हो गया, व्यूज़ देख लिए हमने रास्ते के, और दूसरा ये कि इन भैया से हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस जगह के बारे में मिली। कौन सा खेत बोलते हैं भैया इसको? पालन खेत। पालन खेत, जो वाइट कलर के फ्लावर्स हैं ये साल में 7 अलग अलग रंग के होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं भैया? अभी तो वाइट है, ब्लू, रेड, ये हर कलर दे दे। मशहूर अमरनाथ यात्रा पहलगाम के चंदनवाड़ी से ही शुरू होती है, तो अगर आप जून जुलाई के मौसम में कश्मीर आ रहे हैं तो बेताब वैली में आप सुबह ही आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे अमरनाथ यात्रा की वजह से 2 बजे के बाद बेताब वैली में आने की एंट्री नहीं देते हैं। तो ये नज़ारा है, रिवर बैरी है और उधर क्लाउड्स हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है क्लाउड हमारे ऊपर ही आ जाएंगे। जन्नत के एकदम करीब, इससे ज़्यादा सुंदर नज़ारा और कहीं आज तक मैंने नहीं देखा है। ऐसा लग रहा है लाइफ में कुछ और चाहिए ही नहीं। घोड़े वाले आपको इस पीक पॉइंट तक लाएंगे, आप यहाँ बैठकर आराम से इन सुंदर नज़ारों को देखते हुए खुद के साथ, नेचर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बेताब वैली की जितनी तारीफ सुनी थी उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है ये जगह। धीरे धीरे बारिश तेज़ हो रही है, सो फाइनली वी डिसाइडेड टू गो बैक। घोड़े पर बैठकर बेताब वैली घूमना भी एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा। एडवेंचर के साथ साथ पेट और कमर की भी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो गई। अब टैक्सी वाले भैया ने हमें वापस छोड़ा हीवन होटल पे, और ये है होटल का रात का नज़ारा। एक पल के लिए तो मन किया कि ये नज़ारा आँखों से ओझल ही ना हो। दिन भर की थकान को उतारने का सबसे अच्छा तरीका है बच्चों के साथ खेलना। बस कुछ इसी तरह से रहा पहलगाम में मेरा दूसरा दिन। पहलगाम की जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है, बहुत कुछ है करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा।